हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 प्लस प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 41 और 42 को देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, इसका और भी क्लास देखना हो तो प्लेलिस्ट आकर के आप चेक कर लीजिएगा। NCERT का संपूर्ण निचोड़ का ये एक तरह से है। 7500 सवालों पर अगर आप पकड़ बना लेते हैं, यकीन मानिए आपके आने वाले एग्जाम में जो आपका प्रैक्टिस सीट वगैरह होगा, आप जब उसे लगाएंगे काफ़ी ज़बरदस्त नंबर आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी लोग और भी इसका क्लास नहीं देखे हैं, ज़रूर प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। आइए प्रैक्टिस सीट नंबर 41 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? कहने का मतलब है कि हल का जो प्रूफ मिला है कहाँ से मिला है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही जवाब, बनावली से मिला है। किस सिंधु घाटी स्थल पर हल का प्रूफ मिलता है? बनावली, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन क्या होगा? प्रबुद्ध, स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच स्वेच्छाचारी शासन या फिर निर्देशित लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीकृत एकाधिपत्य सही जवाब है, सबसे सही वर्णन होगा। बताना है कि जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, श्याम चंद्र का। जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? श्याम चंद्र का किया गया है, नंबर 4 सही जवाब है। निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम बताइएगा, सबसे पहले कौन, सबसे बाद में कौन। देखिए, ख्वाजा अली हुजबिरी जो हैं ये सबसे पहले थे, शेख बद्रुद्दीन समरकंदी सेकेंड पर थे, शाह नयामतुल्लाह कादरी तीसरे पर थे और ख्वाजा बाकी बिल्ला जो है ये नंबर 4 पर संत रहे थे। ये सब सूफी संत हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही दिया गया है, नंबर 1 राइट आंसर है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार होम रूल लीग से नहीं है? देखिए, मौलाना मजरूल हक का है, सरफराज हुसैन का है, चंद्रवंशी सहाय का है, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद साहब का संबंध बिहार होम रूल लीग से नहीं रहा है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? तुगलक के द्वारा। साम्राज्यवादी लेखकों ने किसे सीधा साधा दैत्य कहकर संबोधित किया था? सीधा साधा दैत्य के नाम से आप ऑप्शन नंबर 3 टीपू सुल्तान को कहोगे। किसे कहा गया है? टीपू सुल्तान को। कौन से सिख धर्मगुरु के पुत्र द्वारा उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर 2 गुरु नानक। कौन से सिख धर्मगुरु के पुत्र यानी कि गुरु नानक के पुत्र के द्वारा उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? कथन है किसका? तो मुनरो का होगा, नॉर्मल सी बात है, नंबर 4। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? ऑप्शन नंबर आपको 10 का, देखिए यंग इंडिया तो गांधी जी का था, हरिजन भी था, इंडियन ओपिनियन भी था, लेकिन इंडियन मिरर इनका नहीं था। निम्नलिखित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान है? प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। सबसे पहले होता है संथाल विद्रोह, फिर होता है दक्कन का विद्रोह, फिर होता है आपका मुंडा और लास्ट में होता है मोपला। ऑप्शन डी सही जवाब है, 2, 4, 1, 3। डलहौजी द्वारा किस वर्ष इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी? इनाम कमीशन बनता है 1852 में, याद रखिएगा डलहौजी के द्वारा इनाम कमीशन 1852 में बना था।
व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे हैं? ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर सेकेंड। भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं? तो ज्ञानी जैल सिंह रहे हैं। करेक्ट। भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को इसीलिए शामिल किया गया था। कौन सा कथन सत्य है? देखिए सभी कथन सत्य है, पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांका गुआ है। सब सही है, ऑप्शन नंबर डी। एशिया के प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? लीना, ओबे, येनेसी, सभी का मुहाना ये जम जाता है शीत ऋतु में, और एशिया का प्रमुख नदी है ये सब। कौन सा? लीना, ओबे और येनेसी। भारत के निम्नलिखित फसल पर विचार करके बताइए कौन सी प्रमुखता वर्षा आधारित फसल है। वर्षा किसको ज़्यादा चाहिए? मूंगफली को भी चाहिए, तिल को भी चाहिए, बाजरा को भी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तिल, मूंगफली, बाजरा, ज़्यादा वर्षा इन सबको चाहिए होता है। बताना है कि डॉनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, कोयला के लिए। डॉनबास क्षेत्र किसके लिए? कोयला के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन से कायांत्रित सेल हैं? कायांत्रित सेल कौन सा है? नीस और सिस्ट। कायांत्रित सेल में निष्ठ और सिस्ट दोनों आता है, नीस और सिस्ट आता है। गांव, शहर, राज्य, देश और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। गांव, शहर, राज्य, देश और उनकी सीमा को राजनीतिक मानचित्र। महासागर की भूपर्पटी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम दोनों की। महासागर की भूपर्पटी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? मैग्नीशियम और सिलिका दोनों की होती है। भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत भागों में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 40% भाग में। कितना? 40% में। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला, मध्य अक्षांश घास स्थल को। कौन से बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहते हैं? मध्य अक्षांश घास स्थल को कहते हैं। रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है? ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलेशन। रेडियो तरंग पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को हम लोग मॉड्यूलेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होती है? ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवों पर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर ज़्यादा? ध्रुव पर होती है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में, ऑप्शन नंबर बी, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। नंबर 29, क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है कैसे? जिप्सम के प्रयोग द्वारा। क्षारीय भूमि को सुधारा जा सकता है जिप्सम के प्रयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? स्वर्ण का ज़्यादा होता है, चांदी का भी, तांबा का भी, लेकिन पारद का। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है दोस्तों? पारद आपको बताना होता है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीनॉइड आपको बताना होता है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाता है वह है कैरोटीनॉइड। निम्न में से कौन सी विटामिन हमारी आँखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन ए हो जाएगा सही जवाब।
कौन सी विटामिन हमारी आँख और त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन ए। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहा जाता है। अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर सी बर्गरान ने। अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बर्गरान ने किया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर लगाया गया था? ए राइट आंसर मद्रास में। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना मद्रास में। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चाइक, चाइक के नाम से भी किसी नदी को जाना जाता है, कौन सी नदी है? शारदा। ऑप्शन नंबर डी, चाइक के नाम से किसी नदी को जाना जाता है, कौन सी नदी है दोस्तों? शारदा नदी है। विश्व में सबसे पहले कागज कहाँ पर बनाया गया था? ऑप्शन नंबर पहला चीन में बना था, सही मैच नहीं है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र वानिकी केंद्र है कहाँ? नैरोबी में। अंतर्राष्ट्रीय के बारे में बात किया जाए नैरोबी में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, ठीक है। केंद्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, गलत है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में, सही है। ऑप्शन नंबर सी बस यहाँ पर गलत है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान नैरोबी, भारतीय वन प्रबंधन भोपाल, टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली, सही है। नंबर 40, सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ए राइट आंसर गुजरात में, सिद्धि धमाल गुजरात। विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को, विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष 18 सितंबर को। वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? 40%। वैधानिक तरलता अनुपात की अधिकतम सीमा 40% बताओगे? सूची को मिलाइए। पहला का हो जाएगा पूर्ण लाभ, किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था पूर्ण लाभ, ये दिया था सिद्धांत। बिग पशु का सिद्धांत पॉल रोसेनस्टीन रोडन ने। फिर आपका निम्न स्तरीय संतुलन जाल का सिद्धांत रिचर्ड आर नेल्सन ने। संतुलित विकास सिद्धांत रैगनर नैकर्स ने, सही हो जाएगा। मतलब चौथा तीसरा सही है, पहला के लिए दूसरा, दूसरा के लिए पहला, बस मिलाएंगे, याद कर लीजिएगा, इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसके अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है? कीन्स के। ऑप्शन नंबर ए, किसके अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है? कीन्स के तहत ये बात कही गई है। बताना है कि ओकुन का नियम किससे संबंधित है? बेरोजगारी से। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ओकुन का नियम बेरोजगारी से। भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रगतिशील कर और अप्रत्यक्ष कर, और प्रत्यक्ष कर का होता है। भारत में आयकर किसका उदाहरण है? प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का है। गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? आयातकों से। ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र आयातकों से संबंधित है। निवेशक क्या है? निवेशक क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर को बेचना, मतलब निवेशक नहीं, विनिवेश कहने का मतलब है, ठीक है। विनिवेश क्या है? सरकार द्वारा सार्वजनिक उपकरण के शेयर को बेचना होता है विनिवेश। निम्नलिखित पर ध्यान देकर के उपयुक्त सभी कार्य के लिए बताइए क्या होगा सही। पहला कह रहा है क्या, करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना, सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को देखना, ये सब होता है आपका वित्तीय आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता
सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रवाल भित्तियों में। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? प्रवाल भित्ति में ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे 41 होता है समाप्त। देखिए 42 नंबर पर आइए, थोड़ा सा बताना है कि हड़प्पा कालीन स्थल नाम है बनावली, बनावली कौन सी नदी के तट पर स्थित है बताइए, सरस्वती, रंगोई, प्रवरा या फिर हिंडन। हड़प्पा कालीन जगह है बनावली, कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंगोई नदी। रंगोई आपको बताना होता है नदी के किनारे स्थित है, कौन से? रंगोई के किनारे स्थित है। सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? जैन धर्म से। कौन सा? सप्तभंगी सिद्धांत। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूरा न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य है? मेवाड़ की अधीनता, नंबर थर्ड। अकबर अपने जीवन काल में मेवाड़ की अधीनता को पूरा नहीं कर सका, लेकिन उसके बाद जहांगीर उसे पूरा करता है। मिलाइए सूफी संतों को। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से थे। जिया बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी से थे। मियां मीर कादरी से। अहमद शरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय से थे। ऑप्शन नंबर बी, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का वन, डी का फोर, ये सही है। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था तख्त ए ताउस, जिसे 1739 में कोई व्यक्ति लूट कर ले गया था। कौन? हम लोग बिहार SSC के सीट में भी जस्ट देखे थे, अगर ध्यान हो तो। कौन से मुगल भवन में? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक। मांडू किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए बताना होता है, बताना क्या होता है? होसंग शाह या फिर उसे आप हुसैन शाह कहिएगा। मांडू किले का निर्माण किसके द्वारा? तो होसंग शाह या फिर हुसैन शाह है, इसके द्वारा किया गया था। हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कुल कितने प्रांतों में विभाजित किया था? हसन गंगू ने चार प्रांत में, हसन गंगू अपने साम्राज्य को कितने प्रांत में? चार प्रांत में विभाजित करता है। भारत में अंग्रेजी शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, सेंसरशिप ऑफ एक्ट, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अनुसार प्रकाशन के लिए यह आवश्यक था कि वह समस्त सामग्री सेंसर पूर्व निरीक्षण हेतु सरकार के सचिव को दें। सेकेंड, जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। दोनों कथन सही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मंजूरी देने, मंजूरी दरों में संशोधन करने किसके द्वारा कार्य किया जाता है? ऑप्शन ए, केंद्र सरकार के द्वारा। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? भाषा। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी भावना का मुख्य स्रोत भावना था। निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? चार्ल्स वुड आयोग, ऑप्शन नंबर बी होगा, चार्ल्स वुड आयोग। निम्न में से किसके द्वारा भारत में व्यापक नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था शुरू की गई थी? पुर्तगाली के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? 1854 में, तीसरा सही जवाब है। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? चुनाव आयोग का प्रावधान, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं टिक करेंगे हम लोग, क्यों?
क्योंकि आपको अच्छे से पता है इसका जवाब। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने का जो अधिकार है वह देता है, किसके तहत? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक न्यायाधिकार के तहत। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? तो देखिए, पटकाई, मणिपुर, मिजो, नागा, इन सब के तहत मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? डुंगेश्वरी है बिहार में, ऑप्शन नंबर थर्ड है। भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, खंभात तट पर है। कहाँ पर है? खंभात तट पर। दक्षिण अमेरिका के दो देश पूर्णतः भू आविष्टित हैं, जिसमें से एक पराग्वे है और दूसरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, बोलीविया हो जाएगा सही जवाब। बताना है कि इक्विजिशन क्या है? एक रोमन कैथोलिक संस्था है इक्विजिशन। इक्विजिशन क्या है? एक रोमन कैथोलिक संस्था है। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 75 सेंटीमीटर से कम होता है। भारत में कह रहे शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा कौन सा? तो शुष्क भूमि की खेती पूछा है, जहां 75 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिक्किम का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की। यदि अगर पूछता है ना कि जनसंख्या घनत्व, तो आपको अरुणाचल प्रदेश बताना होता है ना, 17 है शायद वहाँ का। यदि एक परीक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित है, अवस्थित कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते दिखता है तो वह कहाँ पर? विषुवत रेखा पर होगा। निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेरिंग जल संधि सही जवाब। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो बैंक नीति दर होता है, नैतिक प्रभाव की नीति होता है और खुले बाजार की क्रिया होता है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? बैंक नीति दर, नैतिक प्रभाव की नीति और खुले बाजार की क्रिया, ऑप्शन नंबर फोर। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना के समय में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियाँ गरीबी से संबंधित है? तो लकड़वाला समिति, श्री रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति, सभी है ये छोड़ के। पहला, दूसरा, तीसरा आपको ठीक करना है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा समिति गरीबी से? लकड़ावाला, श्री रंगराजन, तेंदुलकर। किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर? उद्यम का स्वामित्व के क्षेत्र, उद्यम का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। RBI की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है? ऑप्शन बी, वह दर जिस पर RBI बैंकों को पैसा उधार देता है, सही जवाब होगा। शहरी क्षेत्र में ग्रामीण शहरी क्षेत्र में गरीबों के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? शहरी क्षेत्र में गरीबी का आकलन अगर पूछेगा किस आधार पर माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होता है, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, अगर पूछे शहरी क्षेत्रों में गरीबों के आकलन का आधार औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, निम्न में से किसे गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता है?
प्रत्यक्ष कार्यवाही को किया जाता है, साख की राशनिंग को किया जाता है, सरकारी आश्वासन को किया जाता है, नैतिक दबाव को नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसी गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाएगा नैतिक दबाव को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मांग और आपूर्ति के द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण मांग और आपूर्ति के द्वारा होता है। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है, क्या देखकर पता लगा सकता है? लेंस की लंबाई और आकार को आप जब देखोगे तो आपको सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र में अंतर पता चल जाएगा। कह रहे हैं कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रदीपन से संबंधित है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है दोस्तों? प्रदीपन से। आणविक बल होते हैं, आणविक बल होता है परमाणु के अणुओं के बीच लगने वाला बल। कौन सा आणविक बल होता है? तो पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? पायरेक्स कांच के लिए ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोरेक्स। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है। सीमेंट नॉर्मली किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। कह रहे कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपघटक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है, इन सूक्ष्म जीव को अपघटक कहते हैं। रेडियो सक्रिय ट्रांसजियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? अस्थि कैंसर, ऑप्शन नंबर डी। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? आवृत बीजी में, ऑप्शन नंबर डी। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? आवृत बीजी में पाई जाती है। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित का प्रयोग निम्न में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण के लिए। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित का प्रयोग निम्न में से किसके नियंत्रण के लिए? तो वायु प्रदूषण के लिए किया जाता है। बताना है कि सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? 1903 में दिया गया था सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष में? 1909 में। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 3 बार, रेड क्रॉस को 3 बार। मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए, गोवा से है। मांडी झागोर नृत्य का संबंध गोवा से है। नीति आयोग के विभिन्न कार्य क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं जो नीति आयोग को अपने अधिशेष को पूरा करने के लिए अपक्षेपित समन्वय और समर्थन ढांचा प्रदान करता है? पहला कृषि, दूसरा डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा हो जाएगा मानव संसाधन विकास। सभी यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर डी को आप याद रखोगे। किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है? साइबर वेटिंग कहलाता है। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ये सॉफ्टवेयर नहीं, ऑप्शन नंबर डी है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसे ज़रूर याद रखेंगे आप, रूसो, ऑप्शन नंबर बी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक का नाम रूसो है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर प्रैक्टिस शीट नंबर 42 होता है समाप्त। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा यहाँ तक। यहाँ पर आपको 2 थंबनेल शो कर रहे हैं, जिस भी क्लास को नहीं देखे हो अभी तक अभी ही देख लीजिए।